हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन ट्रेडिशनल जायका में। आज हम बैंगन की बहुत ही अलग सी रेसिपी बनाएंगे, बहुत ही कम तेल मसालों के साथ। इसके लिए मैंने इस तरह के हरे वाले लंबे बैंगन ले लिए हैं। इन्हें धोकर अच्छी तरीके से साफ कर लिया है। बैंगन के डंठल को इस तरह से आधा काट लेते हैं, पूरा नहीं काटेंगे। इस पार्ट को काट कर हटा देते हैं। सारे बैंगन को काट कर इसी तरीके से तैयार कर लेते हैं। अब इनमें इस तरह से चीरा लगाएंगे, चेक कर लेंगे अंदर इनमें कीड़े वगैरह नहीं होने चाहिए। सभी बैगनों को इसी तरह से चार भाग में काट कर तैयार कर लेते हैं। सारे बैगनों को हमने अच्छे से धो लिया है। अब इसे साफ सूती कपड़े से इसका जो पानी है वो सुखा लेते हैं। सारे बैंगनों को हमने अच्छी तरीके से पोंछ कर सुखा लिया है। अब बैंगन का मसाला तैयार करते हैं। मसाला बनाने के लिए 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, इसी में मैंने जीरा और काली मिर्च को पीस कर ले लिया है। अगर आप पाउडर डालना चाहें तो 1/2 छोटे चम्मच जीरा पाउडर और 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं। इसी में मिला लेते हैं 1/2 छोटे चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 छोटे चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। इसी के साथ स्वाद अनुसार नमक, नमक थोड़ा सा ज़्यादा डालें क्योंकि अलग से हम इसमें नमक नहीं मिलाएंगे। मसाले के साथ ही बैंगन में नमक मिलेगा। मिला लेते हैं इन्हें अच्छी तरीके से। मसाले को इस तरह से गाढ़ा ही रहने देंगे, पानी नहीं डालेंगे इसमें। मसाले को खूब अच्छी तरीके से मिला लें ताकि सारे मसाले और नमक एक सार हो जाए। हमने जो मसाला तैयार किया था उसे अब अपने बैंगन पर लगाते हैं। इस तरह से थोड़े थोड़े मसाले बैंगन के चारों पार्ट पर लगा लेते हैं। एक्स्ट्रा मसालों को इस तरह से पोंछ लेंगे ऊपर से। जितना बैंगन हम एक बार में कढ़ाई में डालेंगे उतने ही बैंगन पर मसाला लगाकर तैयार करेंगे, वरना नमक की वजह से ये पानी छोड़ देगा। ये देखिए, इस तरह से बैंगन में अच्छे तरीके से मसाले लगाकर तैयार करेंगे। बैंगनों को हमने मसाला लगाकर तैयार कर लिया है। अब गैस पर एक कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म करते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें अपने बैंगन को डाल लेते हैं। फ्लेम को मीडियम रखेंगे। कढ़ाई में जितने बैंगन आ सकते थे हमने डाल दिया है और एक साइड से इन्हें अच्छे तरीके से मीडियम फ्लेम पर पकने देते हैं। कढ़ाई में उतने ही बैंगन डालें जितने को हम आसानी से पलट सकें। तब तक हम बाकी बैंगनों में भी मसाला लगाकर तैयार कर लेते हैं। एक तरफ से बैंगन हमारा ये देखिए सीख चुका है, इसे पलट लेते हैं इस तरह से। बैंगन में डंठल हमने इसीलिए छोड़े थे ताकि पलटने में ऐसे आसानी हो। दूसरी तरफ से भी इन्हें क्रिस्पी होने तक पका लेते हैं। बैंगन हमारा दोनों तरफ से बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुका है, ये देखिए निकाल लेते हैं इन्हें। सारे बैंगनों को हमने निकाल लिया, हम दूसरे बैच को भी डाल लेते हैं।